Senior BJP leader Murali Manohar Joshi today spoke to the media and paid his respect to those who lost their lives in the Uttarakhand deluge. He said he was firmly for supporting those families who lost their near and dear ones in the tragedy. उत्तराखंड की इस त्रासदी में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारों के लिए हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और उन सब के लिए जो कुछ श्री अश्विनी चौबे जी ने अपने प्रस्ताव में जिस प्रकार की सहायता और आगे उनके लिए किसी प्रकार की कठिनाई न हो तथा ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए उस संबंध में जो कुछ उन्होंने कहा है और जिसे आप सब ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है उसका भी समर्थन करते हुए जो कुछ शेष रह गया है उतना मैं कहने का प्रयत्न करूंगा। Murali Manohar Joshi admitted that in the disaster even man had a role to play in it. He said nature alone should not be blamed for it. पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि ये विपत्ति केवल प्रकृति प्रदत्त है। ये जितनी प्रकृति प्रदत्त थी अगर उससे ज्यादा नहीं तो उतनी ही हमारी बनाई। और इसलिए कई बार मैं ये कहता हूँ कि वो जो हजारों परिवार उसमें नष्ट हुए उसका जिम्मेदार प्रकृति को ठहराना ये अपने अपराध को दूसरे के ऊपर स्थानांतरित करने के बराबर है। ये विपत्ति क्यों आई इसके कारणों की मीमांसा गहराई से होनी चाहिए और ये विपत्ति अगर आपने उन कारणों की मीमांसा करके उनको सुधारा नहीं तो और भी आएगी। मैं इसकी चेतावनी दे रहा हूँ। He further added, as a parting shot, that prosperity of the Himalayas was directly proportional to the prosperity of the nation. Himalaya bachega, to desh bachega. Himalaya samriddh hoga, to desh samriddh hoga. Himalaya surakshit hoga, to desh surakshit hoga. Yaad rakhiye. Powered by NNIS.